कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बनाएंगे टेस्टी खीर। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक भगोनी लेंगे, उसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। हम 1 किलो दूध ले रहे हैं, अब इसमें दूध डालेंगे हम। इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे जब तक हम हमारे चावलों को धो लेंगे। हमने 100 ग्राम चावल लिए, हमने टूटे हुए चावल लिए। आप चाहो तो बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हो, पर इनसे फ्लेवर अच्छा आता है। अब हम इनको धो लेंगे। अब हमारा दूध गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें कलर के लिए केसर डालेंगे, इससे अच्छा कलर आता है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा कलर आता है। अब हम चावलों को और दूध को अच्छे से पकने देंगे। हम इन्हें मिड फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक हमारे चावल पक रहे हैं तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को काट लेते हैं। हमने ड्राई फ्रूट्स में लिए मखाने, किशमिश, काजू और बादाम। अब हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं, पर अभी हम इसको थोड़ी देर और रखेंगे, थोड़े से और पक जाने देंगे। और इसको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं। अब 1 से 2 मिनट हो चुकी है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से हमारी खीर का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब हम इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स काटे थे वो डालेंगे। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 1 से 2 मिनट पकने देंगे। अब हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है। हमने इसमें अभी चीनी नहीं डाली है, चीनी हम इसको 5-7 मिनट ठंडी करेंगे खीर को, उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब हमारी खीर ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। हम 7 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। आप अगर ज़्यादा चीनी खाते हो, ज़्यादा मीठा खाते हो, तो 1 चम्मच एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है खीर में, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक बाउल में निकाल लेंगे अब हम इसे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब हमारी खीर बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।